तो पहली ट्रिक में मैं आपको वॉशिंग जेट का ये जो पाइप लगा होता है सीट के अंदर कमोड के अंदर, ये जो लंबा होता है इसको ऐसे लोग बांध देते हैं, इसको बांधना नहीं है, इसको जो ठीक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरी ट्रिक में मैं आपको किचन सिंक होती है उसमें जो कूड़ा जाता है और बार बार ब्लॉक होती है उसको रोकने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही सस्ता और बढ़िया। जब भी हम किचन सिंक की जाली खरीदते हैं उसके साथ एक छोटी जाली आती है जिसे हम बकेट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि सिंक को बकेट बना सकते हैं, तो उसी को हमने क्या करना है, ये पेच खोल लेना है और वॉशर निकाल के ये सीधी इसमें लगा देनी है। और आगे देखिए वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे कूड़ा रुकेगा। तीसरे ट्रिक में हम आपको बताएंगे वॉश बेसिन के नीचे जो वॉल्व लगा होता है एंगल वॉल्व, यहाँ पे अगर आपको टूटी का पॉइंट बनाना है तो आसान तरीका कौन सा है, अगर टू इन वन टैप लगाते हैं ये बहुत महंगी होती है, तो इसकी बजाय हम दूसरा जुगाड़ करके दिखाते हैं, वीडियो में बने रहना। तो आज की वीडियो में हम आपको पीवीसी पाइप के ज्वाइंट खोलने का तरीका बताएंगे। जैसे कि आपका पीवीसी पाइप देखिए एक्सपायर हो गया है, इस पर जो पाइप रिंच वो पकड़ नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर इस ज्वाइंट पे हमने दूसरा वाला पाइप फिट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे एक पेचकस लेंगे और पेचकस को इस पाइप के अंदर आर पार ठोक देंगे और इसको जोर लगा के ऐसे खोल देंगे, और जैसे ही ये पाइप खुल जाएगा और इस पाइप के अंदर हम ये दूसरे पाइप का ज्वाइंट फिट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पांचवीं ट्रिक में हम आपको नॉर्मल टूटी को लॉक वाली टूटी बनाने का जुगाड़ बताएंगे। अगली ट्रिक में हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद देखेंगे कितनी जबरदस्त चीज हम बना रहे हैं, वीडियो में बने रहना।
अगली ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि जो छत पे ये टंकियों के पाइप लगे होते हैं, देखिए ये अलग अलग होते हैं, इन्हें कोई भी बंदर खींच के तोड़ सकता है, और इसकी मजबूती का तरीका बताएंगे। वीडियो में बने रहना। अगली ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर जो नाली होती है वो चौक हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए कौन सा टूल बनाना है वो बताएंगे। अगली ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि बाथरूम के ऊपर जो ये जाली लगी होती है, इसको वाइट सीमेंट से फिक्स करते हैं लोग, और बाद में खोलने में भी दिक्कत आती है। मैं इसको आज एक ट्रिक से इसको बिल्कुल जाम करके दिखाऊंगा। वाइट सीमेंट की भी जरूरत नहीं, जब मर्जी इसको निकाल सकते हैं और ये हिलेगी भी नहीं। देखिए फर्श के पत्थर में हमने ग्रूव बना के इसमें जाली फिट कर दी है, जब मर्जी आप इसे निकाल भी सकते हो और ये हिलेगी भी नहीं। और ये इस वीडियो की 10वीं और आखिरी ट्रिक है। इसमें मैंने जो भी ट्रिकें बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना। इस ट्रिक के अंदर मैं 7 इंची पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, इससे एक जुगाड़ बना रहा हूँ, सस्ता और बढ़िया बनेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखना।